हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ संक्षिप्त परिचय देखा था, सिलेबस देखा था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि पूरा सिलेबस होगा, संक्षिप्त परिचय पहले आज की वीडियो में हम देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित एक संक्षिप्त परिचय जनपद, क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय से संबंधित देखा था और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी किया था। इस तरह के प्रश्न UPPCS प्री में तो आएंगे ही आएंगे, मेंस के लिए भी ये बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेंस का सिलेबस देखेंगे तो ये सारी के सारे चैप्टर कवर होंगे उसमें, तो बहुत ध्यान से अंत तक वीडियो देखिएगा। और UPPCS प्री की परीक्षा के लिए और जो SSSC के अंतर्गत जितनी लेखपाल या यूपी पुलिस या जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी, तो ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। हाँ, इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, और आज हम लोग उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। संक्षिप्त परिचय में हम देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि राज्य की स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। इसी के उपलक्ष्य में 24 जनवरी 2018 से सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को राज्य की स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल 240,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो कि पूरे देश के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये इंपॉर्टेंट है कि पूरे देश के क्षेत्रफल का ये 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान उत्तर प्रदेश का चौथा है और जनसंख्या की दृष्टि में भारत में ये प्रथम राज्य है। सीमावर्ती प्रदेश या देश अगर हम बात करें तो कौन कौन से सीमावर्ती प्रदेशों के, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अगर देश की बात करें तो नेपाल आता है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जो कि स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश की सीमा को। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है, 4 जिलों को ये स्पर्श करता है या 4 राज्यों को कहें तो स्पर्श करता है, जिसमें है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। 4 राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र जिला, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला ये जिला है। देश में प्रथम उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो आलू, गन्ना, गेहूँ, दुग्ध, आम, मसूर, हल्दी या पिपरमिंट, रेलमार्ग, बैंक शाखाएँ और डाकघर सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। जलवायु की अगर बात करें तो हमारे यहाँ 4 जलवायु होती है, शीतकाल, वर्षाकाल और ग्रीष्मकाल। सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद कौन सा है, गोरखपुर, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा वाला जनपद है मथुरा। राजधानी लखनऊ है जो कि 1935 ईस्वी में स्थापित हुई है राजधानी इसकी। राजकीय भाषा प्रथम है हिंदी 1947 से और द्वितीय है उर्दू 1989 से, ये याद रखेंगे। राजकीय चिन्ह क्या है, आप जानते हैं, एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष, ये चिन्ह 1938 ईस्वी में अपनाया गया था। राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंघा है, राजकीय पशु बारहसिंघा है और राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च भी कहते हैं ये है। राजकीय पुष्प पलाश है जिसको 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया था। राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय खेल हॉकी है और राजकीय नृत्य कथक है, कथकली नहीं है ये, कथक है राजकीय नृत्य। राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, भारत में और किन किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल कहाँ कहाँ पर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधानसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था, जुलाई 1937 में और स्वतंत्रता के बाद विधानसभा का गठन कब हुआ था, 8 मार्च 1952 को। सन याद रखेंगे, विधानसभा का सर्वप्रथम गठन उत्तर प्रदेश का हुआ था 1937 में और स्वतंत्रता के बाद 1952 में। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 404, जिसमें से 403 निर्वाचित है और 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य है। उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 425 थी। विधान परिषद का गठन कब हुआ था, जुलाई 1937 में हुआ था, विधान परिषद का गठन जुलाई 1937 में हुआ था और वर्तमान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, विधान परिषद में 100 है।
उत्तराखंड राज्य के गठन के पूर्व कितनी थी, ये 108 थी। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला इलाहाबाद है, जहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, तीन हैं जिनके यहाँ दो दो विधानसभा की सीटें हैं, श्रावस्ती, महोबा तथा चित्रकूट। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। राज्य के न्यायालय या अधिकरण या आयोग से संबंधित कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1866 में हुई थी, जिसकी एक खंडपीठ है कहाँ पर, लखनऊ में। जिला न्यायालय सभी जनपद में है, राजस्व न्यायालय सभी जनपदों में है। राज्य उपभोक्ता आयोग कहाँ पर है, लखनऊ में, और राज्य सूचना आयोग भी लखनऊ में ही है। औद्योगिक न्यायाधिकरण की बात करें तो इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ, लखनऊ में, इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय लखनऊ, मेरठ, आगरा, बरेली, वाराणसी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र गोमती नगर लखनऊ में है ये। मंडलों की संख्या बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है, ये आप याद रखें। बस इसमें दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तहसील कितने हैं, 350 हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं, 4, तहसीलों की संख्या 350 है। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, तीन मंडल हैं जो सबसे बड़े मंडल हैं, जिनके 6-6 जिले हैं जिनके अंतर्गत। सबसे छोटा मंडल है बस्ती, आजमगढ़, मिर्जापुर, झांसी तथा सहारनपुर, तीन तीन जिले हैं इनके अंतर्गत, बस्ती, आजमगढ़, मिर्जापुर, झांसी और सहारनपुर। सबसे अधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक तहसीलों वाला जिला है इलाहाबाद, 8 तहसील है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट है। अब नगर पंचायत से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं पॉइंट। नगर एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है, 915। जिला पंचायत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिला पंचायत कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 75 हैं, 75। न्याय पंचायत इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राम पंचायत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। नगर पंचायत 423 है, ये इंपॉर्टेंट है, और नगर पालिका परिषद 198 है। नगर निगम 16 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नगर निकाय वाले कुल नगर हैं 630, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, जिला पंचायत 75 है, नगर पंचायत 423 है, नगर पालिका परिषद 198 है, और नगर निगम 16 है। कुछ नगर हैं जैसे योजनाबद्ध नगर कौन कौन से हैं, तीन हैं, कानपुर सिटी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये योजनाबद्ध नगर में आते हैं, अंतर्गत आते हैं। कारागार कितने हैं, 70 कारागार हैं, और जिला कारागार लगभग 60 हैं, 75 जिले हैं जिनमें 60 जिला कारागार हैं। केंद्रीय कारागार कितने हैं, 5, नैनी के अंदर, इलाहाबाद में, वाराणसी, आगरा, फतेहगढ़, बरेली, ये केंद्रीय कारागार है, कितने हैं, 5, बस नंबर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार कौन सा है, प्रथम आगरा का है, 1844 में ये बना था प्रथम केंद्रीय कारागार। आदर्श कारागार की संख्या दी जाती है लखनऊ को, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में। नारी बंदी निकेतन एक है और वो भी लखनऊ में है। अल्पवयस्क कारागार भी एक है, वो भी बरेली में है। और पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितनी है, 33%, यानी कि 1/3 है। अब 2011 की जनगणना के आधार पर हम कुछ जनसंख्या से संबंधित पहलुओं को देख लेते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या का ये 16.51% है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 16.51% है पूरे राज्य की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का, जिसमें पुरुष का जनसंख्या और महिलाएं दी हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसका प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष का प्रतिशत है 77.3% है, और महिलाओं का प्रतिशत है 57.22%। तो ये पुरुष का प्रतिशत आप याद रखेंगे, 77.3% है ये, और महिलाओं का 57.2% है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट। स्त्री पुरुष अनुपात कितना है, 912, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दशकीय वृद्धि दर 20.23% है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आप याद कर लेंगे जनसंख्या से संबंधित। जनघनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश की शहरी जनसंख्या कितनी है, ये नहीं हमें याद करना है, बस प्रतिशत याद करना है, 22.27%, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे। प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या है 77.73%।
और प्रदेश में लोगों का जीवन प्रत्याशा कितना है, पुरुष की है 61 ईयर और महिला की है 63 ईयर, महिलाओं की ज़्यादा है जीवन प्रत्याशा। अगर हम धर्म के आधार पर प्रदेश की जनसंख्या अगर देखते हैं तो हिंदू की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 79.73% है और मुस्लिम की कितनी है 19.26%। सिख की भी है, ईसाई की, जैन, इंपॉर्टेंट नहीं है। बौद्ध सबसे कम किसकी है, बौद्ध धर्म की 0.10% है। तो सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सबसे लास्ट में बौद्ध 0.10% है। साक्षरता की अगर बात की जाए, कुल साक्षरता दर कितनी है 67.7% है, जिसमें पुरुष की 77.3% है और महिला की 57.2% है। नगरीय साक्षरता, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नगरीय साक्षरता 75.1% है और ग्रामीण साक्षरता 65.5% है। ये कुछ प्रमुख आयोग या संगठन हैं, उनके देख लेते हैं, कब स्थापना हुई थी उनकी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य अल्पसंख्यक आयोग, जिसका गठन कब हुआ था, ये 1994 में हुआ था। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का 1994 में गठन हुआ था और सूचना आयोग का 14 सितंबर 2005 को हुआ था। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है नागरिक सुरक्षा संगठन इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य महिला आयोग इंपॉर्टेंट है। राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था अगस्त 2004 में और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब हुई थी, 9 मार्च 1993 में हुई थी। तो ये चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राज्य मानवाधिकार आयोग 7 अक्टूबर 2002, ये वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है, जो कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी ये। और राज्य की दूसरी महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती थी, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, दो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी बने। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थी, श्रीमती सरोजनी नायडू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने हैं, 2 बार बने हैं, कौन कौन लोग बने हैं, मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी, दो लोग हैं जो 2 बार राज्यपाल बने हैं। विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। और विधान परिषद के सर्वाधिक बार सभापति कौन थे, वीरेंद्र स्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, चाहे तो छोड़ सकते हैं इनको, ये इंपॉर्टेंट है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ये थे प्रथम अध्यक्ष। और सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, आत्माराम गोविंद एवं केसरी नंद त्रिपाठी बने हैं। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा थे। प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल। और राज्य के वर्तमान में 7वें लोकायुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र हैं, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वाला। लास्ट में सिंचाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि विभिन्न, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है, नहर से कितने प्रतिशत होती है, और तालाब, झील या पोखर या कुओं से और अन्य से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये नलकूप से 70.8%। दूसरा है नहर से, नहर से होती है 17.2%। बस इंपॉर्टेंट यही है नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है, 70.8% सिंचाई होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे नहर है। और लास्ट में तालाब, झील, पोखर तथा कुआं हैं जिसके 10.2% है। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि किसके द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है या सिंचित क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस द्वारा होता है, तो नलकूप, नहर और ये 3 ऑप्शन होंगे, नलकूप आपका सही आंसर होगा। तो ये आज की वीडियो थी, हमारा पहला चैप्टर ये आज खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिदृश्य। ध्यान रखेंगे UPPCS मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित, ये गारंटी है मेरी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।